अंकुरित अनाज कैसे बनाएं, चलिए जानते हैं। इसके लिए हमने ये मूंग की दाल है और चना है, लोबिया है और ये क्या बोलते हैं कि काबली चना है और हमारा ये हरा मटर है। ये देखिए सूखा हुआ जो मटर मिलता है वो है। तो ये चार पांच अनाज हैं, हमने जब एकदम अच्छे अनाज हैं और इनको अंकुरित करके इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए इनको अंकुरित करके अगर आप कभी कदार हफ्ते में एक बार भी अगर यूज़ करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो हमने इसको रात को धो के भिगो दिया था और ये काफ़ी हद तक फूल गया है। तो अभी हम इसको अंकुरित कैसे करें, चलिए ये देखिए। रात भर में भी कोई सा अपना अंकुर छोड़ दिया है और ये जो चने हैं ये इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए और ये मूंग की दाल भी देखिए कोई इनमें अंकुर आने लगा है छोटा छोटा। और तो इनका जो है ये सूखे सूखे हम निकाल लेंगे। ये देखिए आधे आधे मैंने निकाल लिए, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं ना, ये ऊपर ऊपर का जो भी था मैंने सब निकाल लिया और ये नीचे का पानी रह गया है। तो ये जो सूखा हुआ है इसको हम या तो कपड़े में बांध के रख देंगे या फिर हम इसको ढक्कन लगा के किसी मतलब जहाँ पे रोशनी ना पड़ रही हो एकदम एकांत में रख देंगे। ये मैं ढक्कन लगा के कल के लिए 12 घंटे के लिए रख देते हैं, कल देखेंगे कि इनका क्या हाल है। हमें कहीं भी कोई चीज़ स्टोर नहीं करना है, सिर्फ़ हमें या तो कपड़े में बांध के रखना है या फिर ढक्कन लगा के रखना है सूखी जगह। अब ये हमारा जो पानी है या तो आप इसी में उबाल लीजिए या फिर इसको आप छान के पीने के लिए निकाल लीजिए। मैं ऐसे ही निकाल लूँगी क्योंकि अंकुरित दाना कुछ खाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे ये मेरा आधा कप पानी निकल आया, बाकी का मैं कुकर में उबालने के लिए रख रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल के, जिससे अच्छे से गल जाए। थोड़ी सी हींग डाल देंगे क्योंकि चना है वो गद करेगा। और ढक्कन लगा के एक कप पानी मैंने डाला है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल लीजिए। मुझे सूखा चाहिए इसके लिए मैंने एक कप पानी डाला है और एक सीटी लगाऊंगी, ये सूख जाएगा। ये देखिए गैस सारी निकल चुकी है, ये देखिए नहीं है, दो सीटी में एकदम परफेक्ट हमारा ये सारे देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं। चलिए अभी इसको हम तड़का लगाते हैं। तो आप जो चाहें वो ऐसे भी खा सकते हैं पर हमें थोड़ा सा इसको तड़का लगा के करना है। इसके लिए हमने ये लिया है मसाले, हमारे ये दो मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज है, एक टमाटर है बड़ा, तीन से चार हरी मिर्च है, कुछ कड़ी पत्ते हैं और थोड़ा सा धनिया काटा है और नमक हल्दी स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है और सेहत से तो है ही भरपूर बिना ऑयल का। हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल, थोड़ा सा जीरा डाल लें, आप सरसों का तेल डालिए यही ज़्यादा अच्छा है। घी मक्खन देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप रिफाइंड के अलावा ये सरसों का तेल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम प्याज डालेंगे, प्याज को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा ही फ्राई करना है। देखो थोड़ा सा प्याज हमारा लाल हो गया है, अब हम ये कड़ी पत्ते डालेंगे। और टमाटर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और ये जो हमारी मिर्ची है वो भी। टमाटर भी हमारा गल गया है, अब हम इसको थोड़ा सा इसमें पानी है तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास और ये हमारे चने गल भी गए हैं काफ़ी, तो ज़्यादा पानी रह गया तो थोड़ा सा गल जाएगा, हमें थोड़ा रुख रखा चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये पोहा है हमारा, जो नॉर्मल पोहा रहता है
वो ऐड कर देंगे तो जो भी पानी है वो इसमें पोहे में आ जाएगा। तो हमारा ये जो अंकुरित अनाज है वो अनाज हमारे सूखे सूखे हो जाएंगे। आप चाहें तो इन अनाज को ऐसे भी खा सकते हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्च धनिया डाल के, बट बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा सा तड़का लगा के देंगे तो बच्चे भी अच्छे से खा लेंगे। ले लीजिए, अनाजों का पोहा बन के रेडी है। और आपको ना तो भीगा हुआ पानी फेंकना है और ना ही उबालने के बाद जो पानी बचता है वो फेंकना है। वो पानी आपको किसी न किसी रूप में यूज़ कर लेना है, या फिर इसी में ऐड कर लेना है, या फिर ज़्यादा पानी मत डालिए। वो पानी हमें निकाल के नहीं फेंकना, क्योंकि सारा तो हमारा ये पोहा बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये जो हमारा धनिया है वो हम डाल देंगे, जिससे धनिया की खुशबू बराबर बरकरार बनी रहे खाते समय। चलिए ये लीजिए, आपको नाश्ता बिल्कुल बन के रेडी है, अनाज का पोहा। तो ये लीजिए, ये हमने किया गार्निश। और ये हमारा है चिवड़ा, जो कि बहुत अच्छा लगता है ये अनाज के पोहे के साथ। और आपको अगर नींबू चाहिए तो नींबू भी यूज़ करिए। और बताइए खा के हमें कि कैसा लगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ये अनाज का पोहा कैसा लगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोरोना टाइम में तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो प्लीज़ ये अनाज खा के अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। घर का ही बना खाना खाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए। चलिए, बाय बाय।